इसराइल ने राफा पर बड़े जोर शोर से हमला करना शुरू किया था और उस वक्त कहा था कि वो राफा से हमास का सफाया करके ही लौटेगा। और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि राफा पर हमला करने से भयंकर मानवीय तबाही आ सकती है और वो इस काम में इजरायल का साथ नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना राफा में घुस गई और अब ऐसा लग रहा है कि राफा को लेकर इजरायल घुटनों पर आ रहा है, क्योंकि राफा में इजरायली फौज पर हर कदम पर हमले हो रहे हैं। और इन भीषण हमलों के बीच राफा से हमास का सफाया करना इजरायली सेना के लिए बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। या फिर यूं कहें कि राफा इजरायली फौज के लिए एक अभेद किला बन गया है। दरअसल गाजा में एक बार फिर इजरायली फौज पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमास ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। हमास का कहना है कि ये वीडियो उत्तरी बेत हन्नून का है, जहां पर उसने रात के अंधेरे में इजरायली सैनिकों पर एक रॉकेट हमला किया है। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे इजरायली सैन्य वाहन आगे की तरफ जाता है और फिर वो घूमकर वापस लौटता है और आईडीएफ के वाहन के जाने के बाद कुछ इजरायली सैनिक उसके पीछे आते हैं और जिस दिशा में हमास का लड़ाका घात लगाकर बैठा होता है उसी दिशा में ये जवान टॉर्च से सर्च करते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके ऊपर एक रॉकेट फायर कर दिया जाता है जिसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वीडियो में आगे देखने पर सुबह के समय आईडीएफ का एक टैंक खड़ा होता है और उसके आसपास कुछ इजरायली सैनिक चल रहे होते हैं और तभी पीछे से हमास का एक लड़ाका उन पर फायर कर देता है। लेकिन हमास ने एक और वीडियो जारी करके सनसनी मचा दी है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले में इजरायल ने आईडीएफ के कर्नल असफ हमामी को मृत घोषित किया था। उसको लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो उसकी कैद में है और अल कासिम ब्रिगेड ने अपने इसी वीडियो में नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व अपने सैन्य कमांडरों को कैद में छोड़ देता है। हालांकि अभी तक इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि इजरायली कर्नल असफ हमामी जिंदा हैं या नहीं। और इन वीडियोस को देखकर एक बात तो तय है कि रफा की जंग अब इजरायल पर भारी पड़ रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही आईडीएफ रफा में हथियार डाल सकती है, क्योंकि अनादोलू न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले दो दिनों के भीतर इजरायली सेना के 30 जवान घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि इनमें गाजा के अन्य हिस्सों में घायल 22 जवान भी शामिल हैं, जो हमास के लड़ाकों के साथ जंग में घायल हुए हैं। हालांकि आईडीएफ ने ये नहीं बताया कि बाकी सैनिक कहां पर घायल हुए हैं। इजरायली सेना के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 634 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 3573 सैनिक घायल हुए हैं। हमास का कहना है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। इसको लेकर अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का कहना है कि इजरायल द्वारा जारी किए गए आंकड़े सही नहीं हैं और हताहत सैनिकों की संख्या और भी ज्यादा है। और इस सब के बीच ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर सैनिकों के नुकसान को लेकर नेतन्याहू बातचीत की टेबल पर दोबारा आना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने बातचीत करने वाली सभी टीमों को बातचीत दोबारा शुरू करने और कैदियों की अदला बदली की डील पर कवायद शुरू करने के लिए कहा है।
इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायल पीएम हाउस ने अपने एक बयान में कहा कि युद्ध कैबिनेट ने बातचीत करने वाली टीम को बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी रखने का आदेश दिया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब नेतन्याहू हमास के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो चले हैं।